दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आज मैं सिंक को क्लीन करने के लिए एक नया तरीका लेकर के आया हूँ। दोस्तों स्टील का सिंक ही नहीं, दोस्तों स्टील की चिमनी होती है या स्टील का कोई भी बर्तन बहुत ज्यादा बेदाग हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है, स्टील का नल होता है, स्टील की टोटी होती है, स्टील का कोई भी सिस्टम हो दोस्तों, कितना भी गंदा हो, कितना भी पुराना गंदा हो दोस्तों, चुटकियों में क्लीन हो जाएगा। दोस्तों एक नया तरीका दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। तो दोस्तों बहुत ज्यादा गंदी सिंक को चुटकियों में क्लीन कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी स्टील का सिस्टम हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे सफेद सफेद दाग है ना, इसे दाग दगीले हो जाए, कभी कभी क्या होता है जंग लग जाता है, ठीक है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और चिपचिपे जैसे ऑयली जैसे दाग लग जाते हैं। तो दोस्तों इसी को क्लीन करने के लिए दोस्तों बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा दोस्तों एक ही बार में, वो भी दोस्तों दो चार मिनट के अंदर अंदर ही। तो दोस्तों क्या करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे दोस्तों एक छोटा प्लास्टिक का कटोरी लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने एक डावर वाला दोस्तों ये देख सकते हैं मैश बैग का एक मैंने, यानी कि कोलगेट है दोस्तों, कोलगेट भी ले सकते हैं। तो इसको लगभग ये देखिए मैंने लगभग एक डेढ़ चम्मच इसको ले लिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा को लिया है, एक चम्मच ले लेंगे। यहाँ पे मैंने दोस्तों आधा कटा हुआ नींबू लिया है। इसको दोस्तों फेंकना नहीं है, इसको साइड में रख देंगे। अब इसको दोस्तों अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हमने आधा नींबू जो आधा नींबू कटा हुआ था जो मैंने निचोड़ा, इसी की मदद से दोस्तों इसको इस पर फैला लेंगे इस तरह से। तो देखिए इसमें इसको अच्छे से इस पे पहले इसको चिपका लेंगे अच्छे से, फिर पांच मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो इसको अच्छे से रगड़ लिया है, अब इस नींबू को फेंक देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बर्तन धोने वाला जूना लिया है, ठीक है, और इसको कम से कम पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पांच मिनट हो चुका है, अब इसको अच्छे से रगड़ लेंगे इसको। दोस्तों अगर रेगमाल हो तो और भी अच्छी बात है, बहुत जल्द छूटेगा रेगमाल जो होता है ना। इससे भी दोस्तों सही छूटता है। तो देखिए दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों दाग धब्बे छूट चुके हैं, देख सकते हैं, और इसको दोस्तों धो लेंगे। तो
अच्छा जी बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरी तरह से क्लीन हो चुका है अपना सिंक, ऐसे समझो जैसे आज ही नया लगा हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल से दोस्तों जुड़ सकते हैं, नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।